हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट्स लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। आज की इस एविडेंस एक्ट की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है चैप्टर 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ने टॉक्स अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ दिया गया है 101 से लेके 114A तक। हम लोग इसको अलग अलग वीडियोज में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या है, और फिर हम लोग इसके जो डिटेल में सेक्शंस, 3 सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, उनको डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल्स एंड रिलेटेड केसेस। 101 विच टॉक्स अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ, ये प्राइमरी या फिर परमानेंट बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। दूसरा है 102 ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, ये इट लोकेट्स द पार्टी कि किस पार्टी पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, ये शिफ्टिंग बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। और लास्ट है 103 विच टॉक्स अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, तो किसी पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूफ करने के लिए किस पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। तो इन तीनों को हम लोग समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सेक्शन 105 से 110 देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ बर्डन एंड ऑफ प्रूफ। तो सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ एक लीगल रिक्वायरमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच इज़ कास्ट अपॉन द पार्टीज। जो भी पार्टीज कोर्ट अप्रोच कर रही हैं सिविल या फिर क्रिमिनल केसेस में, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है कि वो जो भी फैक्ट्स लेकर कोर्ट के सामने आ रही है उनको प्रूव करें कि कोर्ट उनके फेवर में डिसीजन दे दे और अगेंस्ट द अदर पार्टी डिसीजन दे। तो मेरे ऊपर अगर मुझे कुछ कोर्ट से रेमेडी चाहिए है तो आई हैव टू प्रूव दैट फैक्ट सो एज टू गेट द डिसीजन इन माय फेवर। और ये जो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अपने फैक्ट्स प्रूव करना है, अपना केस प्रूव करना है, यही बर्डन ऑफ प्रूफ कहलाता है। तो यहाँ से समझते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ए लीगल रिक्वायरमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी अपॉन द पार्टीज। जो भी पार्टीज आ रही है उनके ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट या ड्यूटी है टू एस्टैब्लिश द फैक्ट्स विच विल असिस्ट द कोर्ट इन रीचिंग डिसीजन इन देयर फेवर। तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने केस के फैक्ट्स कोर्ट के सामने प्रूव करूँ कि कोर्ट मेरे फेवर में, कोर्ट को वो फैक्ट्स मदद करें कि कोर्ट मेरे फेवर में डिसीजन दे दे। ये होता है बर्डन ऑफ प्रूफ का मीनिंग। अब ये जो लीगल रिक्वायरमेंट है ये दोनों क्रिमिनल और सिविल केसेस में अलग अलग है। क्रिमिनल केसेस में हायर बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है बट सिविल केसेस में उसका डिग्री जो है कम रहता है, क्योंकि क्रिमिनल केसेस जनरली देखे जा रहे हैं वो ग्रेवर होते हैं, उन सोसाइटी को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, इसी वजह से इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ का जो डिग्री है बहुत हाई है। इसमें आपको जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मतलब प्रोसिक्यूशन के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन है कि कोई भी रीजनेबल, कोई भी डाउट नहीं रह जाना चाहिए प्रूफ करने में उनको। कोई भी अगर अनसर्टेनिटी थोड़ी सी भी रह गई है कि अक्यूज्ड ने ये क्राइम नहीं किया है तो अक्यूज्ड को छोड़ दिया जाता है। ये हम लोग बता रहे हैं क्रिमिनल केसेस में, बट दिस इज़ नॉट द केस विथ ग्रेवर ऑफेंसेस लाइक डाउरी, डेथ या रेप वेप के ऑफेंसेस में ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। बट जनरल रूल यही है कि क्रिमिनल केसेस में जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा रहता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि अक्यूज्ड ने ही क्राइम किया है। अगर थोड़ा सा भी उसमें अनसर्टेनिटी रह जाती है इसको प्रूफ करने में तो अक्यूज्ड को गिल्टी नहीं माना जाता। सिविल केसेस में ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो बहुत कम होता है, यहाँ बाय प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस हमको प्रूफ करना पड़ेगा। बर्डन जो बर्डन रहेगा वो प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस रहेगा। इसका मतलब है कि हमको प्रूफ करना है 50% से ज़्यादा मुझको प्रूफ कर देना है कि हाँ मेरा केस मेरे फेवर में, अपने जो फैक्ट्स है अगेंस्ट द अदर पार्टी मुझको 50% से ज़्यादा दिखा देना है कि हाँ इट इज़ मोर ट्रू दैन इट इज़ फॉल्स। तो यहाँ पर जो बर्डन है इट इज़ लेसर एज कम्पेयर टू इन क्रिमिनल केसेस। अब 101 देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं सेक्शन 101 के बारे में। सेक्शन 101 बात करता है कि वेन एवर अ पर्सन अप्रोचेज अ कोर्ट एंड वॉन्ट्स द कोर्ट टू गिव जजमेंट इन हिज फेवर, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन दैट पर्सन टू प्रूव हिज लीगल राइट एंड द लाइबिलिटी ऑफ अदर पार्टी। ये लिखा हुआ है सेक्शन 101 में। इसका क्या मतलब है? सेक्शन 101 कहता है कि जो भी कोर्ट से चाहता है कि उसके फेवर में डिसीजन दिया जाए, जो पर्सन कोर्ट को अप्रोच कर रहा है अपना केस लेकर, इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन पर लाए करेगा। सेक्शन 101 बहुत बेसिक और जनरल रूल बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बता रहा है कि आज जो भी पर्सन कोर्ट को अप्रोच करता है, अपना केस लेके कोर्ट के सामने जाता है और चाहता है कोर्ट उसके फेवर में जजमेंट दे, इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन पे रहेगा।
इस बर्डन ऑफ प्रूफ जो 101 में दिया है, इट इज प्राइमरी, परमानेंट एंड नॉन शिफ्टिंग। ये बर्डन ऑफ प्रूफ कभी भी उस पार्टी से हटेगा नहीं, ये परमानेंटली उस पर्सन पे रहेगा। एंड एट द एंड ऑफ द ट्रायल उस पर्सन को प्रूफ करना पड़ेगा कि लीगल राइट जो था उसके फेवर में था, और लायबिलिटी उसको दूसरे पर्सन की प्रूफ करनी पड़ेगी। तो सेक्शन 101 स्टेट्स दैट हूसोएवर वांट्स द कोर्ट टू गिव डिसीजन इन हिज फेवर, जो अपने फेवर में कोर्ट से डिसीजन चाहता है, ही मस्ट प्रूव दैट दोज फैक्ट्स एग्जिस्ट। उसको वो फैक्ट्स का एग्जिस्टेंस प्रूव करना पड़े, उसके ऊपर ही इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा। दिस बर्डन ऑफ प्रूफ इज प्राइमरी, परमानेंट एंड इज नॉन शिफ्टिंग इन नेचर। ये कभी शिफ्ट नहीं होता है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस पार्टी पर रहेगा जो कोर्ट को अप्रोच कर रहा है, कोर्ट से अपने फेवर में जजमेंट चाहता है। The burden of proving an entire case in his favor lies upon the person who moves to the court. तो ये सिंपल हो गया कि जो कोर्ट को जा रहा है कोर्ट के सामने अपना केस लेकर, ग्रीवियंस लेकर, इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ और द परमानेंट और प्राइमरी बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई अपॉन दैट पर्सन। एट द एंड ऑफ द ट्रायल उसको अपने प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके पास वो लीगल राइट थी और ड्यूटी थी या लाइबिलिटी सामने वाले पर्सन की थी। क्रिमिनल केसेस में ये प्रोसिक्यूशन पे होता है और सिविल केसेस में ये प्लेंटिफ पे होता है। तो हम लोग 101 देख लिया कि परमानेंट बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है, ये कभी शिफ्ट नहीं होता। क्रिमिनल केसेस पे हमेशा सबसे पहले प्रोसिक्यूशन अपना केस लेके जा रहा है तो उसको ही प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि उसके फेवर में एक लीगल राइट एग्जिस्ट कर रहा था और सामने वाली पार्टी जो है वो लायबल है। सिमिलरली सिविल केसेस में प्लेंटिफ को ये प्रूव करना पड़ेगा। अब एक दूसरी चीज़ होती है ओनस ऑफ प्रूफ। ओनस ऑफ प्रूफ जो कि डिस्कस्ड है सेक्शन 102 में, वो जो होता है वो शिफ्टिंग इन नेचर होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ये प्राइमरी है। बर्डन ऑफ प्रूविंग अगर हम लोग समझें तो दो तरह से होता है। पहला कि एंटायर केस, जिसके ऊपर एंटायर केस प्रूव करने का बर्डन है, वो 101 पे डिस्कस्ड है, वो प्रोसिक्यूशन या प्लेंटिफ होगा। बट अगर हम लोग देखें ओनस ऑफ प्रूफ, दैट इज किसके ऊपर लाइबिलिटी है कि वो एविडेंस दे, तो वो 102 में दिया गया है। ओनस ऑफ प्रूफ, किसका टर्न है अब प्रूफ करने का थिंग्स को, वो ओनस ऑफ प्रूफ होता है। अभी हम लोग एक जजमेंट से इन लोगों के बीच में डिफरेंस देखते हैं और सेक्शन 102 देखते हैं। लेट्स सी अ डिफरेंस बिटवीन बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ओनस ऑफ प्रूफ। गुजरात हाईकोर्ट इन द केस ऑफ रणछोड़ भाई सोमा भाई वर्सेज बाबू भाई 1892 का ये केस है। कोर्ट ने कहा कि देर इज एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ओनस ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द पर्सन हु हैज टू प्रूव अ फैक्ट दैट इट नेवर शिफ्ट्स, बट द ओनस ऑफ प्रूफ शिफ्ट्स। सेकेंडली सच अ शिफ्टिंग ऑफ ओनस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन द इवेल्युएशन ऑफ एविडेंस। सेक्शन 101 से रिलेटेड एक लेटेस्ट जजमेंट देखते हैं। ये 2020 का केस है, नगर परिषद रत्नागिरी वर्सेस गंगाराम नारायण अंबेडकर। इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन द प्लेंटिफ टू सब्सटैंटिएट हिज कॉज विद एडिक्वेट प्लीडिंग्स एंड एविडेंस, एंड द वीकनेस ऑफ डिफेंस कैन नॉट बी बेसिस फॉर द ग्रांट ऑफ रिलीफ टू द प्लेंटिफ एंड टू शिफ्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द डिफेंडेंट्स। तो इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्लेंटिव पे ही रहेगा, और अगर डिफेंडेंट का केस वीक है तो इट विल नॉट शिफ्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द अदर पार्टी। सेक्शन 102 की बात करते हैं। सेक्शन 102 कहता है ऑन हूम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, तो किस पर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर कोई भी केस चल रहा है तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट किस पर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई कर रहा होगा, तो इट अटेम्प्ट्स टू लोकेट द पार्टी कि किस पार्टी पर इस पॉइंट पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। तो हम लोग पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ का जो होता है वो दो मीनिंग होता है। एक मतलब होता है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग द एंटायर केस इन हिज फेवर और बर्डन ऑफ एस्टैब्लिशिंग द गिल्ट। तो ये 101 हम लोग पढ़ चुके हैं, इट इज़ कॉन्स्टेंट, इट इज़ नॉन शिफ्टिंग और प्राइमरी परमानेंट। तो जिस पार्टी के ऊपर बर्डन है स्टार्टिंग से और एंड तक रहेगा, ये परमानेंट बर्डन है कि उसको अपने फेवर में केस प्रूव करना है, वो ये वाला बर्डन ऑफ प्रूफ है। इट नेवर शिफ्ट्स, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो जिसको अपने फेवर में जो केस ला रहा है उसके ऊपर ये वाला बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है। बट एक दूसरा बर्डन ऑफ प्रूफ होता है जिसको ओनस ऑफ प्रूफ कहते हैं। इट इज़ बर्डन ऑफ प्रूविंग एज अ मैटर ऑफ एड्यूसिंग एविडेंस, मतलब किस पार्टी पर बर्डन होगा कि वो एविडेंस दे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर ओनस ऑफ प्रूफ की बात हो रही है, किस पार्टी पर बर्डन लाई कर रहा है, किस चीज़ का बर्डन,
एंटायर केस प्रूफ करने का नहीं, एविडेंस देने का बर्डन। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम किस पार्टी पे बर्डन है टू अड्यूस एविडेंस और टू गिव एविडेंस, तो वो 102 बात करता है। इट शिफ्ट्स, इट इज टेम्प्ररी इन नेचर, तो ये शिफ्ट होता रहता है कॉन्स्टेंटली। एक ने एविडेंस दिया, अब दूसरे को उसके अगेंस्ट देना पड़ेगा या दूसरे के पार्टी पे देना पड़ेगा। तो सेक्शन 102 उसके ही बात करता है। इट आंसर्स दैट क्वेश्चन किस पर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा, वो ये वाला है। इट इज शिफ्टिंग इन नेचर, ये टेम्प्ररी होता है और ये कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। सेम वॉज ऑब्जर्व बाय गुजरात हाई कोर्ट इन द केस ऑफ रणछोड़ भाई सोमा भाई वर्सेज बाबू भाई, 1982 का ये केस है। कोर्ट ऑब्जर्व दैट बर्डन ऑफ प्रूफ हैज़ टू डिस्टिंक्ट मीनिंग्स। फर्स्टली बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू द मैटर ऑफ लॉ एंड प्लीडिंग्स गिवन अंडर सेक्शन 101 एंड इट्स कॉन्स्टेंट। सेकेंडली बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू द मैटर ऑफ अड्यूसिंग एविडेंस गिवन अंडर सेक्शन 102 एंड इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग। The section 102 states that who has the burden of giving evidence at a particular point of time. तो किसी अगर कोई केस चल रहा है तो उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में किसके ऊपर बर्डन है टू गिव एविडेंस, 102 उसी की बात करता है और आंसर करता है। इट स्टेट्स दैट द ओनर्स ऑफ प्रूफ और द टर्न ऑफ गिविंग द एविडेंस लाइज अपॉन द पार्टी हु वुड फेल इफ नो एविडेंस इज गिवन फ्रॉम ईदर साइड। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देता है और कहता है ओनर्स ऑफ प्रूफ मतलब किसका टर्न है अब एविडेंस देने का, उस पार्टी का टर्न होगा हु वुड फेल इफ नो एविडेंस इज गिवन फ्रॉम ईदर साइड। तो अगर हमने कोई एविडेंस दिया और अब कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाता तो आई विल विन द केस, तो बर्डन होगा सामने वाली पार्टी पे हु वुड फेल इफ नो एविडेंस इज गिवन फ्रॉम ईदर साइड। तो अब सामने वाली पार्टी ने एविडेंस दे दिया, अब वो पार्टी ने एविडेंस देकर अपना प्रूफ कर दिया, अब आई विल फेल इफ नो एविडेंस इज गिवन फ्रॉम ईदर साइड, तो बर्डन मेरे ऊपर आ जाएगा। तो ये जो बर्डन है इट कॉन्स्टेंटली शिफ्ट्स अपॉन द पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस इज गिवन फ्रॉम ईदर साइड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग सेक्शन 102, इट टॉक्स अबाउट ओनर्स ऑफ प्रूफ। हम लोग जाना कि ओनर्स ऑफ प्रूफ और द टर्न ऑफ गिविंग एविडेंस लाइज अपॉन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस इज गिवन ऑन द अदर साइड। तो जिसके ऊपर ओनर्स किसके ऊपर रहेगा, जो पर्सन फेल कर जाएगा या फिर ही वुड लूज द केस अगर दोनों साइड से एविडेंस ना दिया जाए, तो उसका ऊपर ओनर्स ऑफ प्रूफ रहेगा। इट इज शिफ्टिंग इन नेचर एंड टेम्प्ररी इन नेचर, तो ये शिफ्ट होता रहता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे। एग्जांपल समझते हैं, ए सूड बी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ए ने अब बी को सू करा है फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये दोनों केस, ये केस ए लाता है और इस पॉइंट पे जैसे ही वो केस लाता है, इफ नो एविडेंस इज गिवन देन ए विल लूज द केस। अगर कोई पार्टी कोई एविडेंस नहीं देती है तो ए विल लूज द केस। देयरफॉर ओनर्स इज अपॉन, पहला ओनर्स ए के ऊपर रहेगा टर्न ऑफ गिविंग एविडेंस। तो ए को दो चीज प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट था उसके और बी के बीच में, और दूसरा कि बी हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ए ने ये दोनों चीज प्रूफ कर दिया, तो इन दोनों चीज़ को प्रूफ करने के बाद अब हम लोग देखेंगे इस पॉइंट पे किसके ऊपर ओनर्स रहेगा। ये दोनों चीज़ प्रूफ कर देने के बाद अगर कोई भी एविडेंस दोनों तरफ से नहीं दिया जाता है तो हम लोग देखेंगे कि बी विल लूज द केस बिकॉज ए हैज़ प्रूवन हिज पार्ट ऑफ द केस। तो बी हार जाएगा केस। तो इस वजह से अब ओनर्स बी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है ए से। तो ओनर्स अब बी के ऊपर आ गया। बी ने अपने टर्न में जब उसके ऊपर ओनस आता है तो बी ने एडमिट करा कि हाँ देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड मी। बी ने कॉन्ट्रैक्ट तो एडमिट कर दिया बट बी ने कहा कि मैंने ब्रीच नहीं किया। बी ने कहा कि हिज कंसेंट वॉजंट फ्री। तो बी ने अपने टर्न पे कहा कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट तो था बट उसका कंसेंट फ्री नहीं था और उसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो यहाँ पर बी ने ये दोनों चीज़ें एडमिट तो की बट अगर कोई एविडेंस बी नहीं देता है तो ही विल लूज द केस। देयरफॉर बर्डन इज अपॉन बी नाउ टू प्रूफ फ्रॉड। अगर अब बी ने फ्रॉड प्रूफ भी कर दिया तो अब बर्डन शिफ्ट हो गया ए पर। ए को अब एविडेंस देना है टू प्रूव कि फ्रॉड नहीं हुआ, अच्छी तरह से हुआ था, कोई कंसेंट विशिएट नहीं हुई थी बी को। तो बर्डन विल लाई अपॉन ए बिकॉज ही विल लूज द केस If no evidence is given on either side. तो यही 102 बात करता है, the onus of proof or the shifting of the burden of proof from one party to another party. और वो shift तब होता है उस party पे onus of proof रहेगा who would lose the case if no evidence is given. तो अब हम लोग देखते हैं next section 103.
सेक्शन 102 से रिलेटेड केस देखते हैं, जोसेफ कॉन्स्टेंटाइन स्टीमशिप लाइन लिमिटेड वर्सेस इंपीरियल स्मेल्टिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड 1942। इस केस में प्लेंटिफ अप्रोच द कोर्ट सीकिंग डैमेजेस अलेजिंग नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, बट डिफेंडेंट ने आर्ग्यूमेंट लिया कि देर वॉज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ प्लेंटिफ। डिफेंडेंट ने कहा कि प्लेंटिफ ने नेग्लिजेंस में कॉन्ट्रीब्यूट किया था, सो डिफेंडेंट मस्ट प्रूव दिस फैक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, और अगर दोनों साइड से एविडेंस नहीं दिया जाता है देन डिफेंडेंट विल लूज दिस केस। सो द बर्डन इज अपॉन द डिफेंडेंट टू प्रूव कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ। अनदर केस इज के कुसुमा कुमारी वर्सेस गांधी सूर्य भगवान 1982 का ये केस है। इस केस में कहा गया कि द कोर्ट प्रिज्यूम्स सैनिटी, कोर्ट यही मानती है कि पर्सन सेन है, एंड द फैक्ट दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इनसैनिटी और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड विल लाई अपॉन द पर्सन ओनली। तो उस पर्सन को जो ये कंटेंट कर रहा है कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सर्टन काइंड ऑफ इनसैनिटी और अनसाउंडनेस, उसको ये फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा। अब लोग देख रहे हैं सेक्शन 103। सेक्शन 103 टॉक्स अबाउट बर्डन ऑफ प्रूविंग अ पर्टिकुलर फैक्ट। तो हम लोग देखा कि सेक्शन 101 में द बर्डन ऑफ प्रूविंग एंटायर केस की हम लोग बात कर रहे हैं कि जो पर्सन कोर्ट में केस ला रहा है उसके ऊपर बर्डन है कि ही शुड प्रूव एंटायर केस इन हिज फेवर, ही शुड प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ हिज लीगल राइट एंड द लायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपोजिट पार्टी। बट किसी पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूफ करने का बर्डन किस पे लाया करेगा, ये 103 बात करता है। तो जब ट्रायल चल रहा होता है, जब प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, तो कई फैक्ट्स होते हैं जो पार्टी अजर्ट करती है, डिनाई करती है, तो उन इंडिविजुअल फैक्ट्स को प्रूफ करने का बर्डन जो होता है वो किस पे लाया करेगा, यही सेक्शन 103 बताता है। तो इट स्टेट्स दैट बर्डन ऑफ प्रूविंग ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट विल लाई अपॉन दैट पर्सन हु विशेज द कोर्ट टू बिलीव ऑन इट्स एग्जिस्टेंस एंड टू एक्ट अपॉन इट। तो जो भी पार्टी कोर्ट में कोई पर्टिकुलर फैक्ट प्रूव करना चाहती है उसके ऊपर बर्डन लाए करेगा, जो चाहती है कि कोर्ट उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस पे बिलीव करे उस पार्टी के ऊपर ही बर्डन लाए करेगा टू प्रूव दैट पर्टिकुलर फैक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए ने सू करा बी को थेफ्ट के लिए, और ये तो सू कर दिया कि बी ने चोरी करी है, बट ए वॉन्ट्स द कोर्ट टू बिलीव दैट बी मेड एडमिशन ऑफ दैट थेफ्ट टू सी। तो ए ने थेफ्ट के लिए सू करा, बट ए एक पर्टिकुलर फैक्ट प्रूफ करना चाह रहा है, वो ये प्रूफ करना चाह रहा है कि बी ने एडमिट किया था अपना चोरी करना सी को। तो जब ए एक पर्टिकुलर फैक्ट प्रूफ करना चाह रहा है, ए वॉन्ट्स द कोर्ट टू बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट, दस बर्डन लाइज अपॉन ए एज पर सेक्शन 103 टू प्रूव दिस फैक्ट। ये द फैक्ट ऑफ एडमिशन बी को प्रूफ करना पड़ेगा टू गेट जजमेंट इन हिज फेवर। तो यही होता है कि व्हेन द पार्टी विशेज द कोर्ट टू बिलीव दैट इज ओपोनेंट हैज मेड एनी एडमिशन, ही मस्ट प्रूव द फैक्ट ऑफ एडमिशन। तो ये पर्टिकुलर फैक्ट प्रूफ करने का जो बर्डन है विल लाई अपॉन दैट पार्टी हु विशेज द कोर्ट टू बिलीव ऑन इट्स एग्जिस्टेंस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं क्रिमिनल केस का। फॉर एग्जाम्पल ए के ऊपर लाइबल किया गया ए को कि ए वॉज प्रेजेंट एट द सीन ऑफ अकरेंस ऑफ मर्डर। तो मर्डर का केस चल रहा था और ए के ऊपर डाला गया कि वो वहीं पर प्रेजेंट थे जहाँ मर्डर हुआ। A wants the court to believe that he was present somewhere else. वो सेक्शन 11 में प्ली ऑफ एलिबाय लेना चाहते हैं, वो प्रूफ करना चाहते हैं कि जहाँ मर्डर हुआ था वो वहाँ नहीं, वहाँ से बहुत दूर कहीं वो कलकत्ता में बैठे हुए थे। तो सिंस A wants the court to believe a particular fact, A must prove the existence of that fact. तो बर्डन A के ऊपर रहेगा तो प्रूव कि वो उस समय कलकत्ता में था। तो दिस इज ऑल अबाउट बर्डन ऑफ प्रूविंग अ पर्टिकुलर फैक्ट। Let's see a case related to section 103, Kamini versus Puran Chandra, 1987 का ये केस है। इस केस में मैरिड वुमेन को उसके घर से निकाल दिया गया था आफ्टर इल ट्रीटमेंट। उन्होंने केस फाइल किया टू रिकवर हर ज्वेलरी एंड आर्टिकल्स फ्रॉम हर इन-लॉज, बट उसके इन-लॉज ने कहा दैट शी हैड टेकन ऑल हर आर्टिकल्स एंड ज्वेलरीज विद हर। इस केस में कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं रेस किया जाएगा कि वो अपना सामान पूरा ले गई है अपने साथ, एंड द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्टिकुलर फैक्ट कि वो ज्वेलरी और आर्टिकल्स अपने साथ ले गई है विल बी अपॉन द इन लॉज टू प्रूव दिस फैक्ट।
तो आज हम लोग ने जाना बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में, उसका मीनिंग एंड सेक्शन 101 से लेके 103 विद एग्जांपल्स एंड केसेस. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के सेक्शंस कवर करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास.